भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हमीद अंसारी जी साहब, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सीपीपी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, इस संस्थान के मुख्य श्री सिद्धार्थ शास्त्री जी, हमारे ट्रेजरर श्री पवन बंसाल जी, सभागृह में उपस्थित सभी अतिथिगण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और मीडिया के मेरे दोस्तों, भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की आज 19वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर देश भर में कई आयोजन हो रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार समारोह बहुत खास है। वनस्थली विद्यापीठ की कुलपति प्रोफेसर ईना शास्त्री जी और उनकी पूरी टीम को मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई देता हूँ। कौमी एकता, शांति और सौहार्द के क्षेत्र में अनूठे योगदान के कारण वनस्थली को पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजीव गांधी जी सद्भावना, विश्व शांति, कौमी एकता, महिलाओं और कमजोर तबकों के सशक्तिकरण को अपने विचारों में सबसे अधिक महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में शानदार कामकाज से उन्होंने दुनिया के शीर्ष नेताओं में से अपनी जगह बनाई। आजकल अलग अलग विचारधारा के लोग राजीव जी की उपलब्धियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध कहते थे कि तीन चीज़ें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, वो सूरज, चंद्रमा और सत्य। उसी तरह राजीव जी की सफलताओं को छिपाया नहीं जा सकता। राजीव जी के पक्ष में देश के संसदीय इतिहास में अब तक का सबसे भारी बहुमत मिला था। 1984 में लोकसभा में कांग्रेस 401 सीटें जीती थी, लेकिन उन्होंने तब दो सीटें जीतने वाली पार्टी को भी या विपक्ष को भी दूसरे दल की सबकी राय को बहुत अहमियत देते थे। राजीव जी ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के ध्यान में रखते हुए अपने शासन काल में 11 महत्वपूर्ण नीतियां बनाई। इसमें नई शिक्षा नीति, आवास नीति, नई स्वास्थ्य नीति, नई सिंचाई नीति आदि प्रमुख है। कई संस्थाओं की स्थापना की, पीने का पानी, टीकाकरण, साक्षरता, बाढ़ नियंत्रण, खाने के तेल, दुग्ध उत्पादन और टेलीकॉम पर टेक्नोलॉजी मिशन बनाया। प्रचंड बहुमत के बावजूद राजीव जी ने संसद और लोकतंत्र के लिए अपनी जवाबदेही को सबसे ऊपर रखा। उनके प्रधानमंत्री काल में संसद की 485 बैठकें हुई और 344 बिल पास हुए, जिन्होंने सामाजिक आर्थिक बदलाव की गति तेज की। लेकिन आपको अब मालूम है कि कितने बिल कैसे पास होते, कब होते, कहाँ होते, किसको मालूम नहीं। इन बिल्स पर दोनों हाउस में पूरी चर्चा हुई, सर्वसम्मति बनाते थे। आज की तरह वो ऑर्डिनेंस और मनी बिल के रास्ते नहीं ढूंढते थे। राजनीति में सिद्धांतहीनता
और अनैतिकता रोकने के लिए राजीव जी ने एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट 1985 बनाया, जो लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्टेड सरकार को धनबल और बाहुबल से गिराने से रोकने में बहुत कारगर था। भारतीय राजनीति में इससे लंबे समय के लिए स्थिरता बनी और मौकाप्रस्त राजनीति पर रोक लगी। इस बिल के कुछ हिस्सों पर अपोजिशन को एतराज था, उसे राजीव जी ने माना और चंद पोर्शन भी उसमें हटाया। ये एक डेमोक्रेसी की रीति पर मौजूदा हालात में जिस तरह इस कानून की काट निकाली जा रही है, जनमत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसे देखते हुए इस कानून और दुरुस्त करने की और भी ज़रूरत है। उस दौर में जब भारत बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा था, तब राजीव जी ने भारत में 21वीं सदी के आधार के रूप में संचार और आईटी क्रांति की ताकत को समझ लिया था। कंप्यूटराइजेशन की बुनियाद रखी, आईटी से रोजगार मिला। उस दौर में राजनीतिक दल इस बारे में सोचना तो दूर, सोचने वालों का विरोध भी करते थे। आज इसका लाभ समाज के हर हिस्से को मिल रहा है। इसी से भारत एक बड़ी मजबूत शक्ति के रूप में उभर आया है। आज भारत के जीडीपी में बड़ा योगदान, लगभग 7.4% ऑफ जीडीपी आज वो देते हैं। उस दौर में जबकि भारत की महिलाएं दलित, आदिवासी या वंचित कभी अध्यक्ष पद का सपना भी नहीं देख सकते थे, लेकिन ये राजीव जी की पहल थी जिस वजह से उनको ग्राम सभा अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष बनने का मौका मिला। म्युनिसिपैलिटी मेयर और सिटी म्युनिसिपैलिटी ऐसे स्थानों पर भी आज हमारे महिलाएं विराजमान है। 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत पंचायती राज का जो मौजूदा स्वरूप है, उसकी बुनियाद राजीव जी की देन है। आज भारत में 255,600 गांव पंचायतें और 6,697 ब्लॉक और 6,665 जिला पंचायत आज है। इनके इलेक्टेड प्रतिनिधियों की संख्या 30,45,000 आज है। इसमें से करीब 14,00,000 महिलाएं राजीव जी की सोच के नाते भारत में महिलाओं का एक शानदार नेतृत्व उभारा। हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसका जिक्र पहले ही किया था, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार शायद उनके कानून लागू होने से या अमेंडमेंट आने से महिलाओं को ये जो स्थानमान मिल रहे हैं तो वो कभी नहीं मिल सकते थे। और शायद हमारे देश में अगर मनुस्मृति चलता तो औरतें तो पावर तो क्या नज़दीक आने का भी नहीं हो सकता था। SC ST OBC प्रतिनिधियों और अध्यक्षों के भी रोटेशन में जिम्मेदारी मिलती है। यहाँ इलेक्टेड बॉडीज़ में सबसे अधिक निर्वाचित लोग हैं, जिस कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया है। राजीव जी ने आदिवासियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को देखा और ज़मीनी हालात के हिसाब से योजना बनाई। राजीव जी के प्रधानमंत्री काल में कई राज्यों में आतंकवाद, उग्रवाद, गंभीर
चुनौती था। संवाद और राजनीतिक प्रयासों से उन्होंने आसाम, पंजाब, मिजोरम और दार्जिलिंग में शांति बहाली के लिए जो समझौते किए उनका असर हुआ। अमन चैन लौटा, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य बना। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1990 में आंध्र प्रदेश में दंगों को लेकर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन आज मणिपुर में दंगे हो रहे, कोई राजीनामा भी नहीं देता और कोई निकालता भी नहीं। राजीव जी ने यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में कराई थी। आजकल कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं जैसे टीका लगाने का काम अभी आरंभ हुआ है। ये बहुत पहले से हो रहा है। PCG, TB, OPV, पोलियो, DPT आदि के टीकों ने करोड़ों लोगों की जान बचाई, लाखों बच्चों को नया जीवन दिलाया, बीमारी से मुक्त किया। पोलियो से मुक्ति मिली। उनके बनाए टेक्नोलॉजी मिशन के भारत वैक्सीन उत्पादन में दुनिया में अग्रणी देश बना। राजीव जी ने 61वें संविधान संशोधन से वोटिंग की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल तक किया, जिसे युवा राष्ट्र निर्माण के सीधे जुड़ सके। उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने हर जिले में नवोदय विद्यालय बनाए। केंद्रीय विद्यालयों का भी मजबूत ढांचा खड़ा किया। इसी तहत राजीव जी ने 1988 में पहली बार कृषि उत्पादनों की बर्बादी रोकने और उसकी प्रोसेसिंग कर किसानों के लाभ के लिए फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय उन्होंने बनाया। गंगा सफाई के लिए गंगा कार्य योजना आरंभ की, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड बनाया, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानून बनाया। इनको आज कमजोर किया जा रहा है दिन पे दिन। अपनी आधुनिक और दूरदर्शी सोच के कारण राजीव जी तीसरी दुनिया के देशों के नायक बने थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन को उन्होंने मजबूती दी। संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए उन्होंने कार्य योजना पेश की। दुनिया के किसी भी हिस्सों में दमन के खिलाफ वो खड़े हुए थे। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए मानव अधिकारों की बहाली की आवाज़ उन्होंने बुलंद की। बिना प्रचार के तमाम देशों को मानवीय सहायता दी। राजीव जी का जो विजन था उसे पूरा करने के लिए उनको बहुत कम समय मिला, पर सीमित समय में भी उन्होंने जितनी लंबी लकीर खींच दी है वहाँ तक कोई अब तक पहुँच नहीं पाया। इसी लोकतांत्रिक और नौकरशाही के ढांचे में सुधार के साथ कितना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव किया जा सकता है, राजीव जी इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब जिनको हम आज राजीव गांधी जी के नाम से ये भेंट दे रहे हैं, तो वो वनस्थली के संस्थापक स्वर्गीय पंडित हीरालाल शास्त्री जी को मैं नमन करता हूँ, जो महान स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान में हमारे पहले मुख्यमंत्री थे,
उन्होंने ऐसे छोटे से गांव जहां बैलगाड़ी से ही जाना संभव था वहां से 1935 में ये छात्रों के लिए ये संस्था शुरू की जिसे आज दुनिया जानती है। इस अनूठे शिक्षा केंद्र में बालिकाओं को नर्सरी से पीजी तक केवल पठन पाठन नहीं होता बल्कि वैज्ञानिक मूल्यों के साथ परंपराओं संस्कारों की शिक्षा भी दी जाती है। ये भी सिखाया जाता है कि देश और समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। वनस्थली परिसर में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मानवीय मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शिक्षा दी जाती है। बालिकाओं ने मन में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के बीज बोए जाते हैं। जो बालिकाएं इस परिसर में से निकलती है, विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ से निकली छात्राएं रोशनी बिखर देती है। मैं यहाँ संस्थान से उपस्थित सभी छात्रों, फैकल्टी और ऑफिस बेयरर्स को शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबने मेरी बात सुनी शांति के साथ, इसलिए मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।